हाय स्कॉर्पियो, मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। वाह, धड़ाधड़ कार्ड निकला आए फटाफट। ओके, सो लेट्स सी हाउ दिस मंथ इज गोइंग टू बी फॉर स्कॉर्पियो, द मंथ ऑफ सितंबर। और आप अपने सन मून राइजिंग जैसे यू कनेक्ट विद स्कॉर्पियो, यू कैन वॉच दिस वीडियो। लास्ट में मैं एक एक कार्ड जो है, इफ स्कॉर्पियो इज योर सन साइन तो मून साइन तो राइजिंग है तो एक एक कार्ड जो है मैं सन मून राइजिंग के लिए लास्ट में एंड में निकालूंगी, तो वो आपको और ज्यादा कनेक्टिविटी देगा। सो यू कैन वॉच टिल द एंड इवन इफ Scorpio is any of your signs. So let's see how is the month of September for Scorpio. So let's see. वृश्चिक राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा होने वाला है, गाइड्स एंजल्स। How will month of September be for Scorpio? Okay, we have quite a few cards. Let's start. Month of September. First energy that I see is a journey from 5 to 10. So एक तरह से एक फेज से दूसरे फेज की जर्नी जो है मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस महीने आप बिल्कुल भी नेगेटिव्स पे फोकस ना करें। हो सकता है कि फैमिली को लेकर, घर को लेकर, एक्सपेक्टेशंस को लेकर, मैरिज को लेकर कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम ना कर रही हों। हो सकता है कुछ चीज़ें वैसी एग्जैक्टली ना हो जैसी आप चाहते थे या जैसी आपने सोची थी। हो सकता है कुछ कनेक्शंस वैसे ना हो जैसे आपने सोचे थे, लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि हर चीज़ में एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है। हर एक चीज़ जो है वो किसी ना किसी रीज़न से होती है, विदाउट रीज़न कुछ नहीं होता है। एंड दिस इज़ अ जर्नी जहाँ पे आप रियलाइज़ करेंगे तो आप एक हैप्पी होम की तरफ जो है जा सकते हैं या एक बेटर सर्कमस्टांस की तरफ जा सकते हैं। तो पहली ये एनर्जी मुझे बहुत इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे इमोशंस इस महीने बहुत हावी होने वाले हैं स्कॉर्पियंस के लिए। सेकेंड सेट जो है यहाँ पर, पहला कार्ड जो है वो एट ऑफ सोट्स का कार्ड आया है। एट ऑफ सोट्स का कार्ड होता है जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो, आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो और आप फिर उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश नहीं करते हो, वहीं स्टक रहते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो वो अपना ब्लाइंड फोल्ड हटा रही है। यहाँ पे स्वॉर्ड है, सो ये कार्ड है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने लाइफ की और एक्शन लेना है। और वो एक्शन जो है मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं चैलेंजिंग टाइम्स जो हैं आपके लिए ख़त्म होने वाले हैं, रिलीफ जो है वो आपके लिए आने वाला है, डिप्रेशन इलनेस जो है उसका एंड होने वाला है और कहीं ना कहीं किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हो। किसी तरह का ट्रैवल भी मुझे आपके कार्ड्स में सितंबर के मंथ में दिखाई दे रहा है। लास्ट जो सेट है आपका, स्ट्रेंथ और लर्निंग की एनर्जी है, क्योंकि पेज स्ट्रेंथ है और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो पहला कार्ड जो है ये बोलता है कि आपको अपनी पर्सनल पावर जो है उसको काइंडनेस के साथ इस्तेमाल करना है। याद रखिए कि ऐसा ना हो कि आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में ना हो और आप काइंडनेस की एनर्जी में ना हो और सिर्फ अपनी पावर को इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। लेकिन आप स्ट्रांग हो, जितना आप महसूस करते हो, जानते हो उससे ज़्यादा, तो काइंडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। और कहीं ना कहीं अबंडेंस, एक नई लर्निंग, एक नई करियर अपॉर्चुनिटी, एक नई लर्निंग की एबिलिटी या एक नया इन्वेस्टमेंट, घर, व्हीकल, किसी भी तरह का एक नई बिगनिंग, एक नया लीप जो है वो आपकी लाइफ में ये महीना लेकर आएगा। तो ओवरऑल एनर्जी जो है मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे इमोशनल सिचुएशन से एनर्जी जो है वो शुरू हो सकती है, आपके एक्सपेक्टेशंस, थोड़ा सा स्टक फील करना। लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ जो है वो जाएगा, आप बेटर फील करोगे, आपका ट्रैवल मूवमेंट जो है वो भी होगा और लर्निंग भी होगी। लेकिन आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में ना आओ जहाँ पे आप फॉरगिवनेस ना रखो या अपने आप को अनट्रैप्ड फील करो या सिर्फ नेगेटिव फील करो। आपने आपके ऊपर ये महीना बहुत निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे उस फील से, उस नेगेटिविटी से बाहर लेकर आते हो और कैसे उन एक्सपेक्टेशंस को समझते हो और कैसे फॉरगिव करके, बैलेंस करके आगे बढ़ते हो। लेकिन लर्निंग किसी तरह की डेफिनेटली है इस महीने आपके लिए। लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड सेट दैट वी गेट, स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। गाइड्स एंजल्स, व्हाट एल्स। मैं बाद में आपका फैमिली हेल्थ वेल्थ सब चीज़ों के हिसाब से बताऊंगी और पहले मैं ये कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो कहीं ना कहीं कैंडी लैंड का कार्ड आया है। एक हैप्पी एनर्जी का कार्ड होता है ये, नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड, मूवमेंटम का कार्ड, अपने आसपास बहुत सारी स्वीटनेस जो है उसको महसूस करने का कार्ड। और ये कार्ड सिमिलर स्टोरी जो बोल रहे हैं, जो आपने एक्सपेक्ट किया था और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वहाँ से कुछ डिफरेंट एनर्जीज, कुछ डिफरेंट सिचुएशंस और कहीं एक अपने आप को अनट्रैप्ड फील करने की एनर्जी, कहीं अपने आप को स्टक फील करने की एनर्जी, कहीं आप अपने आप को लॉक्ड फील करने की एनर्जी जो है वो है। एक इमोशनल एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट कैंडी लैंड, या आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहते हो और आपको आसपास सब कुछ बहुत अलग दिखाई दे रहा है अपने से।
जजमेंट की एनर्जी है, कुछ डिसीजन मेकिंग जो है वो आप कर सकते हो इस महीने, और इस महीने कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग, किसी ना किसी तरह वो ताला जो है उसको खोलना, अपने आप को बाहर निकालना वहां से, क्योंकि ताला यहाँ लगा है राइट, बट वो एक्चुअली बाहर से बाहर आ सकती है, ऊपर छत नहीं है, ऊपर कुछ भी बंद नहीं है, बट वो आना चाहती है कि नहीं वो बहुत मैटर करता है। और यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखो तो एक बर्ड है जो उसके लिए कुछ लेकर आ रहा है, यू सी द बर्ड इज कैरिंग समथिंग फॉर हर। तो कुछ जो है वो आपके आसपास है, कुछ जो है यहाँ पे भी उसके बालों पे बर्ड्स बैठे हुए हैं, तो देर इज दिस इज फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे आपके पास कुछ आ रहा है, जहाँ पे आपके पास कुछ है, जहाँ पे आपके पास पास लोग हैं, आपके आसपास सिचुएशंस है, आपके आसपास अच्छाई भी है, बट डिपेंड करता है कि आप उसको देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो। एंड लाइक आई सेड, देखिए ये महीना बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि आपका आउटलुक क्या है लाइफ को लेकर, आप चीजों को कैसे देखते हो, और जैसे आप देखोगे वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। और मैं इस महीने आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज में कुछ पॉजिटिव है। लुक एट योर लर्निंग, और जो भी चीजें जो हैं वो वैसी नहीं है जैसी आप एक्सपेक्ट करते हो, तो थोड़ा सा अपने आप को एक स्टेप पीछे लीजिए, सोचिए समझिए, अपने आप को फॉरगिवनेस की एनर्जी मिले जाइए, और समझिए कि आप ट्रैप नहीं है, आप इस एनर्जी से बाहर आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा जजमेंटल ना हो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, और थोड़ा सा अपने आप को थॉटफुल एनर्जी में लेके जाएं। सबसे पहले मैं रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ, तो रिलेशनशिप्स में मुझे ट्रैवल की एनर्जी नजर आ रही है। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में रह रहे थे या किसी ऐसे लोगों के साथ रह रहे थे जहाँ पे आप नहीं रहना चाहते हो, तो मुझे एक डिसीजन मेकिंग दिखाई दे रही है जहाँ पे आप उस एंट्रैपमेंट से, उस एनर्जी से बाहर आते हो, या आप कोई डिसीजन लेते हो वहां से बाहर आने का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये डिसीजन जो है लाइक बहुत ड्रास्टिक हो या बहुत स्ट्रांग हो, ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे यू पिक अप समथिंग टू स्टडी, आप कुछ लर्निंग का कुछ पिकअप करते हो, एंड दैट मेक्स यू, दैट हेल्प्स यू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। देयर कुड ऑल्सो बी जहां पे रिलेशनशिप्स में कुछ पॉजिटिव चेंजेस, कुछ पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं, आप सामने वाले को फॉरगिव कर सकते हो, सामने वाला आपको फॉरगिव कर सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, कैसे लेके जाते हो। थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट्स रिलेशनशिप में दिखाई दे रही हैं, जहां पे आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद फुलफिल नहीं हो रही हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो शायद उस तरह से रिजल्ट नहीं आपको मिल रहा है। लेकिन इस महीने मुझे ऐसा जरूर लगता है कि अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी में हो, तो एक हैप्पी होम मोमेंट जो है वो आपके लिए आ सकता है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा लेट गो करो, और थोड़ा सा चीजों को फॉर व्हाट दे आर, फॉर व्हाट दे रियली आर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखो। अगर आपके हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ में सबसे पहले तो अपने वाटर इंटेक का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि पानी अच्छे से पीना और हाइड्रेटेड रहना जो है बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। दूसरा, मुझे आईज़ की हेल्थ का ध्यान, मुझे ऐसा लग रहा है अपनी आईज़ की हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, अगर आईज़ में कुछ भी दिखा लगे आपको प्रॉब्लम है तो चेक ज़रूर करवाना है। तीसरा मुझे लगता है कि स्लीप और मेडिटेशन, ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली हैं, तो अच्छी नींद और मेडिटेट करना, सो दैट आप मेंटल हेल्थ का अपने ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा एनर्जी जो है इमोशनल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लग रही है, जहाँ पे कुछ इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं, तो मेंटल हेल्थ का आपने अपनी ध्यान रखना है। करियर के बारे में अगर मैं आपकी बात करूँ, तो मुझे करियर में, करियर से रिलेटेड कोई पॉजिटिव मैसेज और पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आती हुई लग रही है। देयर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग समथिंग और अर्निंग समथिंग, तो या तो अर्न करने की या लर्न करने की नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए स्टार्ट हो सकती है। ट्रैवल भी इंक्लूड हो सकता है उसमें, पर कहीं ना कहीं डिसीजन आपको लेना होगा, और अगर आप स्टक बैठे रहेंगे तो आप वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए अपने आप को लॉक्ड या स्टक नहीं फील करना है। हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने जॉब का साइन किया हो जिसके कारण आप स्टक फील कर रहे हो सकता है आसपास का माहौल ऐसा हो जिसके कारण एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, पर आपको लग रहा है आप नहीं ले पाओगे, आप किस तरह से कर पाओगे, तो वो जो इफ व्हाट व्हाई है ना, उसको आपने छोड़ देना है और जस्ट जंप ऑन टू द अपॉर्चुनिटी विद फेथ, और वो चीज़ जो है वो आपके लिए वर्कआउट करेगी। मनी की अगर मैं बात करूँ, तो अबंडेंस है, मनी फ्लो होगा, मनी फ्लो में कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। डिसीजन मेकिंग ध्यान से करनी है आपने, इवन इफ यू हैव टू बाय समथिंग, सोच समझ के करना है, बट अदरवाइज मनी फ्लो रहेगा। हेल्थ, वेल्थ, मनी, करियर, और स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, बट और थोड़ा सा इमोशंस पे कम ध्यान देना है, तो ये आपने ध्यान रखना है, दिस इज समथिंग। और अगर आप इवन इफ यू आर लाइक रिटायर्ड और घर पे हो, तो भी इमोशनल बैलेंस जो है इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, इमोशनल बैलेंस बहुत हेल्प करेगा। हो सकता है कोई ऐसा हेल्थ सिचुएशन हो जहाँ पे आपको थोड़ा बेड रेस्ट करना पड़े और आप बिल्कुल स्टक फील करो बिकॉज आपको बेड पे रहना पड़ रहा है, बट अगेन अगर वहाँ पे भी एनर्जी सही तरह से
डायरेक्ट करोगे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट वहां से मिलेगा, हेल्थ बेटर ही होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने इस चीज का। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो मुझे इसी तरह की दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपका चक्रा जो है इस महीने वो कौन सा है और किस चक्रा पे आपको ध्यान देना है। स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर गाइस एंजल्स, स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, लेट्स सी व्हाट वी हैव। डिस्कवरी, दिस इज रूट, ग्राउंडिंग, बेस चक्रा, अपने आप को डिस्कवर करना है। एंड अगर आप यहाँ देखो तो हार्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो आपको अपने, और यहाँ पे मून की एनर्जी भी है। जब मून होता है या हार्ट की एनर्जी होती है, आपके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। तो आपको ग्राउंडिंग इस महीने जरूर करनी है, रूट चक्रा, मूलाधारा चक्रा, उसकी मेडिटेशन जरूर करनी है। देर इज अ न्यू, लाइक देर इज अ फ्लावर, और एक नई कली है जो न्यू बड दैट इज ओपनिंग, राइट। सो एक कली है नई जो खुल रही है और एक फ्लावर है, और वो खुलने के लिए उसको डेफिनेटली पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस चाहिए, लेकिन एक फेथ भी चाहिए कि आई कैन डू इट, राइट। सो अपना हार्ट जो है उसको बैलेंस रखिएगा इस महीने। इमोशनल बैलेंस जो है दैट इज गोइंग टू बी द की फॉर यू। लेट्स सी पोस्ट कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ, एंड यू कैन टेक दिस एज अ स्पेशल मैसेज फ्रॉम समवन स्पेशल टू यू। सो लेट्स सी, ओके, सो आई हैव टू कार्ड्स, आई एम गोइंग टू पिक ओनली वन जो सीधा हुआ, क्योंकि डियर यू, मैं हिंदी में पढ़ूंगी क्योंकि इंग्लिश आप खुद पढ़ सकते हो। ओकेजनली बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अपने साथ अपने मोटिव जो हैं, जो भी एक्शंस आप लेते हो या लेना आपने प्लान किया है, स्पेशली जब आपके माइंड में एक एंड गेम है, तो आपने जो भी एक्शन आप ले रहे हो या आपने प्लान किए हैं उसको, उसके बारे में सोचना, उसके पीछे आपका मकसद क्या है वो सोचना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी मोटिवेशन का सोर्स जो है वो डिजायर है या एंटाइटलमेंट है, आपको लगता है ये मेरा ही है, मुझे मिलना चाहिए, या आप उस चीज को डिजायर करते हो। मे बी आप पाथ की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो या आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि वो पाथ जो है वो आपको होलनेस, सेफ्टी, वो चीज देगा जो आप सीख कर रहे हो। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि जो भी आप सीख कर रहे हो या जो भी आप देखते हो वो आउटर वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन होती है, और जो मोटिव है जो आपको ड्राइव करता है उसकी रिफ्लेक्शन होती है, जो आपका मोटिव आपको आगे लेके जाता है। तो आपको क्या आपको मोटिव की जरूरत है, क्या आप सिंपली पुल हो सकते हो सोल की डायरेक्शन में टुवर्ड्स हैप्पीनेस, जॉय, डिस्कवरी, ग्रोथ, एडवेंचर, मतलब बेसिकली किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना जो मीनिंगफुल हो विदाउट उसको डिफाइन करने की कोशिश करना। अगर आप आगे बढ़ते हो, सरेंडर करते हो इन जो भी स्पिरिट आपके लिए स्टोर में रखा हुआ है स्पिरिट ने, आप अमेज हो जाओगे कि कैसे रिजल्ट जो है वो टर्न आउट होते हैं, चीजें जो है वो टर्न आउट होती हैं। अपने मोटिव जो है उनको जरूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर आपके मोटिव जो है स्पिरिट के साथ कनेक्टेड हैं तो जो भी आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। एंड लास्ट लाइन जो है वो बोलती है कि हर कोई जो है यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ही चाहता है। तो आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मोटिव जो है उनको चेक करें, आप अपने थॉट्स को चेक करें, कहीं आप बहुत ज्यादा एंटाइटलमेंट की एनर्जी में तो नहीं जा रहे हो, अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ कर कि मुझे यही चाहिए और ये ऐसे ही होना चाहिए, उस एनर्जी में तो नहीं जा रहे हो। और अगर आप उस एनर्जी में जा रहे हो तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी वैसे ही होगी, दुनिया भी आपके साथ फिर वही करेगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इमोशनल चेक का टाइम है, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को चेक कीजिए और सिर्फ फ्लो होने दीजिए, क्योंकि लाइफ को जीना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिंदगी आपसे बहुत प्यार करती है, जितना आप जानते हो उससे ज्यादा प्यार करती है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्राउन की तरफ सोचोगे और बोलोगे कि मैं ही किंग हूं, मैं ही क्वीन हूं, मुझे ही क्राउन मिलना चाहिए, मैं ही सही हूं, तो वो एनर्जी आपको कभी हेल्प नहीं करेगी। रादर वो क्राउन भी आपका चला जाएगा, वो एंटाइटलमेंट भी चली जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ फ्लो करने के लिए आया हूं, मैं सिर्फ फ्लो करने के लिए आई हूं, मैं स्पिरिट के साथ कनेक्टेड, हर एक इंसान जो है वो किंग है, वो क्वीन है, हर एक के पास पावर है, और सिर्फ अपने सोल की एनर्जी के साथ डिस्कवर करो, ग्रोथ करो, एडवेंचर की तरफ पढ़ो, तो वो पावर आपके पास से कहीं नहीं जाएगी। एंड आई थिंक ये रियलाइजेशन जो है ये महीना आपके लिए लेके आ रहा है, और कार्ड्स भी वही बोल रहे हैं, अगर रियलाइज करोगे तो बहुत अच्छे से आगे की एनर्जी में बढ़ोगे, नहीं करोगे तो फिर वहीं स्टक और सैड एनर्जी में रह जाओगे। चॉइस जो है इस महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको किस एनर्जी में रहना है। लेट्स सी व्हाट इज द चार्म फॉर स्कॉर्पियो month of September. Okay. Yes, see, you have a beautiful energy. आप protected हो, आपके अंदर power है, आपके अंदर abilities है, आपके अंदर बहुत सारी beautiful energy है, but वक्त है, जब आप जहां जहां
स्टक हो, जिसके कारण आप उस ब्यूटीफुल एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हो, पकड़ नहीं पा रहे हो, अपने हाथ में ले नहीं पा रहे हो, उन सारी चीजों को कट करो। तो कट योर सेल्फ, कट योर नेगेटिविटी, बेसिकली कट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी। अपने आप को नहीं कट करना है, बट कट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेगेटिविटी से अपने आप को कट ऑफ कर लो, और वो आपको बहुत 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 पावरफुली हेल्प करने वाला है। इस महीने चक्र ऑफ द मंथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रूट चक्रा है आपका। कलर ऑफ द मंथ इस महीने दो आपका रूट चक्रा है, लेकिन कलर मुझे लगता है ग्रीन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हार्ट चक्रा जो है उसका भी आपने थोड़ा सा फोकस रखना है, इमोशंस का, क्योंकि हार्ट चक्रा डेफिनेटली कनेक्टेड है। तो रूट चक्रा और हार्ट चक्रा और कलर जो है वो ग्रीन। नंबर ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए, जिस तरह से मैं आपके नंबर्स देख रही हूं, मुझे नंबर ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए नंबर 5 लग रहा है। तो नंबर 5 आपका नंबर ऑफ द मंथ है, और नंबर 5 स्ट्रगल से आगे बढ़ने का भी होता है। तो याद रखिए कि आपको किस स्ट्रगल में पढ़ना है और किस स्ट्रगल में नहीं पढ़ना है। एंड लेट्स सी अब स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग जो है वो क्या बोलता है। सो जिनका सन साइन स्कॉर्पियो है उनके लिए व्हाट इज द मैसेज। सन साइन, ओके, सो मैसेज इज पेशेंस। पेशेंस रखिए। जब आप पेशेंस रखेंगे, जो सीड्स अच्छे से प्लांट की जाती हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रिवॉर्ड भी देता है। ये टाइम है जब अननेसेसरी वरी को छोड़ देना है, फ्यूचर के लिए प्लान करना है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द मैसेज कि फ्लावर्स के बारे में सोचिए, अच्छी ग्रोथ के बारे में सोचिए, कांटों के बारे में मत सोचिए, कांटों पर मत फोकस कीजिए, फूलों पर फोकस कीजिए। जो आप कर रहे हो मेहनत वो राइट डायरेक्शन में कीजिए। सीड सही तरह से लगाई जाए, उसका सही तरह से ख्याल रखा जाए तो नर्चर होती है, लेकिन गुस्से में बस फेंक दी जाए तो वो सीड जो है वो उसके आसपास बहुत सारे और भी पौधे उग जाएंगे और वो सीड उस तरह से नर्चर नहीं हो पाएगी। तो ये टाइम है जब आपको अपने माइंड में हर एक थॉट जो है वो देखना है कि आप कहाँ डाल रहे हो, उसके आसपास जो खरपतवार है उसको टाइम टाइम पे निकालना है, सो दैट यू आर इनटू दैट पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। और पेशेंस जो है वो रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वरी स्ट्रेस चिंता जो है वो नहीं करनी है। लेट्स सी मून, मून साइन स्कॉर्पियो, गाइड्स एंजल्स, मून साइन स्कॉर्पियो। ओके, सो हियर वी हैव फॉर द मून साइन स्कॉर्पियो। वाओ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। प्लान करना, पास्ट की चॉइसेस जो हैं वहां से आपको लॉन्ग टर्म अबंडेंस मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, लेकिन पेशेंस यहां पर भी है। पेशेंस रख के डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। कोई चीज, कोई सक्सेस जो है वो आपकी तरफ आ सकती है, कोई कंप्लीशन जो है आपकी तरफ आ सकती है, और उस कंप्लीशन के बाद एक बैलेंस के साथ डिसाइड करना कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपकी क्या चॉइस है, वो जो शिप्स आ रही हैं आपकी तरफ वो क्या लेकर आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस महीने आई थिंक एक की वर्ड फॉर स्कॉर्पियंस जो मुझे दिखाई दे रहा है वो पेशेंस ही दिखाई दे रहा है, और चॉइसेस, पेशेंस और चॉइसेस। लेकिन डेफिनेटली कुछ चीजें जिनका भी मून साइन स्कॉर्पियो है, कुछ कंप्लीशंस उनकी तरफ आने वाली हैं। सन साइन स्कॉर्पियो अभी टाइम लगेगा कंप्लीशन आने में, मून साइन स्कॉर्पियो कंप्लीशंस आने वाली हैं, इनिशियल। लेट्स सी राइजिंग स्कॉर्पियो, राइजिंग गाइड्स एंजल्स, Scorpio rising, guides, angels. Okay, so I have Scorpio rising too. एंड योर 10 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज द एनर्जी जहां पे आपको कुछ सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना है। आपको लाइफ से वो सीख करना है जो सीख करने की जगह आपको फोकस करना है आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, लाइफ के बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो आपको चूज करने हैं, और चेंज प्रायोरिटीज में चेंज हो सकता है, और घर छोड़ना। तो मुझे कहीं एक, मैंने बोला कि मुझे कहीं एक मूवमेंट की एनर्जी, ट्रैवल की एनर्जी ऑलरेडी दिखाई दे रही है, तो किसी चीज को लेकर आप घर से बाहर निकल सकते हो। कुछ चीजें एंड करनी पड़ेंगी, कुछ नई चीजें बिगिन करनी पड़ेंगी। हेल्थ को लेकर ज्यादा केयरफुल रहना है जिनका भी स्कॉर्पियो जो है राइजिंग है, और एंडिंग्स जो है वो नई बिगिनिंग्स लेकर आएंगे। जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है उसी को अपने साथ रखिए, बाकी सारे इमोशंस जो बैगेज है उनको पीछे छोड़ दीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।